इंसाफ की गुहार लगाता ये है आशीष चौधरी, जो एसपी साहब के सामने अपनी परेशानी लेकर पहुंचे थे। असल में ग्वालियर शहर के खाटीपुर में रहने वाले एक कारोबारी कुछ लोगों की ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली से परेशान होकर आत्महत्या की गरज से एसपी की जन सुनवाई में सल्फास की गोलियां लेकर पहुंच गए। उनका कहना है कि पिछले एक महीने से उनके साथ ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस उनकी फरियाद सुनने के बजाय उल्टा उन्हें ही थाने में घंटों बिठाए रखती है। पिछले 15 दिनों से ये कारोबारी इंद्रगंज इलाके में अपनी दुकान तक पे नहीं जा पाया है। दरअसल आशीष चौधरी की किराने की दुकान है, यहाँ उन्हें नकुल रावत, वरुण शर्मा और एक महिला ब्लैकमेल कर 80,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। नहीं देने पर कारोबारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। खास बात यह है कि 15 अप्रैल को जब से आरोपी नकुल रावत कारोबारी आशीष चौधरी से उनकी अक्षदा इंटरप्राइजेज नाम की दुकान से 18,000 रुपए का सामान लेकर गया, उसके बाद से ही वो उन्हें परेशान कर रहा है। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी और असामाजिक तत्वों को दुकान पर लाकर उपद्रव करता है। महिला द्वारा आशीष पर बलात्कार और छेड़खानी में फंसाने की धमकी दी जा रही है। अब आप भी सुनिए आशीष कैसे एसपी साहब के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं। इतना तंग आ गया हूं। अब मेरे को अगर नहीं चला सकते हो कोई बात नहीं, मैं तंग आ गया हूँ 15 दिन में। असल में 19 अप्रैल को कारोबारी आशीष चौधरी से उनका मोबाइल और 50,000 रुपए की नकदी छीन ली गई। इसकी शिकायत करने पर वो इंद्रगंज और कोतवाली थाने घूमते रहे, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। मजबूर होकर मंगलवार को ये कारोबारी सल्फास की गोलियां साथ लेकर एसपी की जन सुनवाई में पहुंचा और खुद को इन बदमाशों से निजात दिलाने या उसे मरने की अनुमति देने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कारोबारी को कोतवाली थाने भेजा और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम दखल।